तो फाइनली बिग बॉस के घर में हो चुका है आमने सामने वाला नॉमिनेशन। अब इस नॉमिनेशन में किसने किसको नॉमिनेट किया है और कितने लोग नॉमिनेट हुए हैं, चलिए बात करते हैं उस पर भी। फिलहाल ये पहला नॉमिनेशन हुआ है बिग बॉस 17 का, जो कि आमने सामने हुआ है। अभी तक के ऐसा वाला नॉमिनेशन हुआ नहीं है, लेकिन फाइनली ये नॉमिनेशन हो गया है। सबसे पहले इस नॉमिनेशन में खानजादी को बुलाया जाता है, उनको किन्हीं दो कंटेस्टेंट का नाम लेना है जिसको नॉमिनेट करना चाहते हैं। तो खानजादी पहला नाम लेती है अरुण का। उनका कहना है कि ये बहुत ज्यादा बदतमीज है, शॉर्ट टेम्पर है। और दूसरा नाम खानजादी का मनारा होती है। उनका कहना है पर्सनल कुछ नहीं है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। फिर बिग बॉस बुलाते हैं अनुराग डोभाल को। अनुराग डोभाल यहाँ पर नाम लेते हैं सना रईस खान का। उनका कहना है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। और दूसरा नाम है यहाँ पर मनस्वी। फिलहाल अनुराग को मनस्वी से एक्सपेक्टेशन थी कि वो शो में आकर के कुछ करेंगी, वाइल्ड कार्ड एंट्री है। जिसके बाद बिग बॉस खुद बोलते हैं कि आपकी क्या मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी। कहीं ना कहीं बिग बॉस एक बार फिर से अनुराग को रोस्ट करते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर नाम आता है जिग्ना का। जिग्ना नॉमिनेट करती है सना को। उनका रीजन ये कि जब ये नॉमिनेट होती है तो थोड़ी सी चिंगारी नजर आती है, फिर ये वैसे ही पुस्सी बॉम्ब बन जाती है। जिग्ना ने यहाँ पर सना का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने खानजादी का नाम लिया। खानजादी प्यार से जिग्ना को सासू माँ बोलती है कि आपसे यही उम्मीद थी। जिग्ना कहती है कि अगर ये एक के पीछे पड़ जाती है तो फिर ये भैया पीछे पड़ ही जाती है। फिर आती है यहाँ पर मनस्वी। मनस्वी नाम लेती है समर्थ का। उनका ये कहना है कि मुझे मतलब ऐसा डेरोगेटरी टाइप का मुझे वो कॉमेंट लग रहा है, जो कि इसने मेरी मूवी देखी होगी, कोई बोल्ड सीन होगा, गीली गीली ऐसे करके मुझे बोलता है, तो मुझे चीजें अच्छी नहीं लगी हैं। उसके बाद यहाँ पर मनस्वी ईशा का नाम लेती है। ईशा का नाम लेते हुए उनका कहना है कि मुझे लगता है कि ये बिग बॉस का घर है, ईशा और समर्थ के लिए टेम्पटेशन आईलैंड होना चाहिए, इनको वहाँ पर जाना चाहिए। फिलहाल कहीं ना कहीं लग तो कुछ ऐसा ही रहा, जवाब काफ़ी बढ़िया था मनस्वी का। कहती है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या नाम लेती है विक्की भैया का, क्योंकि इनसे ज़्यादा बनी नहीं है। अभी दो दिन पहले इनके झगड़े भी हुए हैं। और दूसरा नाम ये होता है अरुण का, क्योंकि अरुण हर समय लेटे रहते हैं अपने कमरे में, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो ये रीज़न होता है अरुण को नॉमिनेट करने का। जिसके बाद अरुण जो है ना, कप किसी का भी कप दिखेगा ना तो सबका कप मैं फेंक दूंगा। यहाँ पर जो पूल है उसमें कप फेंकते नजर आते हैं। यहाँ पर आती है मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा ईशा और समर्थ दोनों का ही नाम लेती हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि ये लव शो नहीं है। फिलहाल यहाँ पर फिर आते हैं नवीद। और नवीद यहाँ पर नाम लेते हैं अरुण का, क्योंकि वो जो है ना सोते रहते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं है। और यहाँ पर जो नवीद है वो तहलका भी का भी नाम लेते हैं कि उनसे 1-to-1 कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर आते हैं यहाँ पर अरुण। अरुण जो है ना नाम लेते हैं समर्थ का, क्योंकि वो जिस तरीके से बिग बॉस के घर में आए हैं, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया है उस पर वो कहते हैं। साथ ही वो सना का भी नाम लेते हुए नजर आते हैं। सना को भी नॉमिनेट करते हैं कि जब ये नॉमिनेट हो जाती है फिर इसमें एक चिंगारी आ जाती है, दिखती है, उसके बाद इतना कुछ मतलब दिखाई नहीं देता है। फिर यहाँ पर अंकिता आती है। अंकिता यहाँ पर नाम लेती है सना का और इनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी होती है, क्योंकि यहाँ पर अंकिता कहती है कि मुझे सोनिया ज़्यादा मतलब वेल डिजर्विंग लगती थी, ये वेल डिजर्विंग नहीं लगती थी। फिर यहाँ पर सना भड़क जाती है कि आप कौन होती है मुझे बताने वाली कि कौन वेल डिजर्विंग है और कौन वेल डिजर्विंग नहीं है। उसके बाद अंकिता यहाँ पर रिंकू का नाम लेती है, क्योंकि 1-to-1 आई थिंक उनसे भी उनकी बातचीत नहीं हो पाई है। अब यहाँ पर अगला फेल, इस बार का नॉमिनेशन काफ़ी लंबा था। फिर यहाँ पर आते हैं नील भट्ट। नील भट्ट नाम लेते हैं विक्की भैया का, क्योंकि उनकी वाइफ के साथ जो लड़ाई हुई है, एक ट्रस्ट इशू है जो कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये उन्होंने रीज़न दिया है। सना के साथ भी ट्रस्ट इशू है, वही रीज़न सना के लिए भी दिया है। तो नील ने विक्की और सना को नॉमिनेट किया। फिर आती है रिंकू। रिंकू यहाँ पर ईशा और समर्थ को नॉमिनेट करती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो गेम है वो चुगली करती हैं और वो सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है। फिलहाल उसके बाद आते हैं मुनावर। मुनावर ईशा को नॉमिनेट करते हैं, जिसकी वजह से नॉमिनेशन के बाद ईशा भड़कती हुई नज़र आती है। उनका ये कहना है मुनावर का कि ईशा बहुत ही ज़्यादा डबल यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड दिखाती है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आवाज़ उठाती हैं। जहाँ पर उनकी कन्वीनियंस नहीं होती वहाँ पर वो कम आवाज़ उठाती हैं, लेकिन जहाँ पर उनकी कन्वीनियंस होगी वहाँ पर जोर आवाज़ में बोलती हुई नजर आएंगी। उसके बाद यहाँ पर
अरुण का नाम लेते हैं मुनावर फारूकी क्योंकि वो सेफ खेलते हैं, ऐसा उनका कहना है। फिर आते हैं अभिषेक, अभिषेक समर्थ का नाम लेते हैं। अभिषेक कहते हैं कि ये यहाँ पर आया है मेरे से लड़ रहा है, बाकी इसका कोई गेम नहीं है और किसी के साथ इसका गेम नज़र नहीं आ रहा, मैं गेम खेलना चाहता हूँ लेकिन ये यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों में लटका हुआ है। फिर यहाँ पर वो सना का नाम लेते हैं, समर्थ और सना को इन्होंने नॉमिनेट किया है, गेम में इनका कोई भी इनपुट नहीं है, सना के लिए ये रिएक्शन था। फिर यहाँ पर आते हैं विक्की भैया, जिनको बिग बॉस आए दिन रोस्ट भी करते रहते हैं लेकिन रोस्ट के बहाने विक्की भैया को काफ़ी ज़्यादा फुटेज भी मिलती है। विक्की भैया नॉमिनेट करते हैं ऐश्वर्या को क्योंकि उनको लगता है कि ऐश्वर्या को अगर कोई बात चुभी थी तो उनको 1-on-1 आकर के बात करना चाहिए था, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। विक्की भैया सना का भी नाम ले लेते हैं और सना को भी यही सारी चीज़ें बोलते हैं कि जो वो चीज़ें बोल रही है कैरेक्टर वैरेक्टर की, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर यहाँ पर आते हैं समर्थ, समर्थ नॉमिनेट करते हैं अरुण को कि वो खुल करके नहीं आ पा रहे। मनस्वी का भी वो नाम ले लेते हैं कि मैंने उनकी जो मूवी है उसको देख करके, मतलब उसको रिमेम्बर, वो जो सीन है उसको रिमेम्बर करने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने गलत वे में ले लिया, जिसके लिए समर्थ उनको सॉरी बोलते हुए भी नज़र आते हैं। फिर यहाँ पर होती है, आती है सना, सना यहाँ पर अनुराग को नॉमिनेट करती है कि ये बहुत ही डोमिनेटिंग वाला इसका नेचर है किचन में, मतलब अगर ये खाना पका रहा है तो इसको लगता है कि बस यही लीड करे, बाकी तो सब ऐसे ही हम लोग हेल्प कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसका बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर दिखता है। दूसरा नाम सना का होता है विक्की भैया, बहुत अच्छे गेम को समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से गेम को पी करके आए हैं, ये सारी चीज़ें वो कहती हुई नजर आती है। फिर आते हैं सनी, सनी सना का नाम लेते हैं कि धोखा वोखा दिया, ऐसी बातें करते हैं और समर्थ को कहते हैं कि मतलब इतनी सारी औरतें इतने 16 दिनों में किसी ने इतनी गंदी गालियाँ नहीं बक्की लेकिन इस बंदे ने आकर के बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ बक्की है। फिर आती है ईशा, ईशा मनारा को यहाँ पर नॉमिनेट करती है कि कोई बात, मतलब यहाँ पर उनकी वो फ्लक्चुएट वाली बात करती है, जिसके बाद बिग बॉस भी कहते हैं कि फ्लक्चुएट तुमको भेजेंगे, तो यहाँ मनारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ईशा यहाँ पर नाम लेती है मनस्वी का क्योंकि उनसे इतना यू नो 1-on-1 बात नहीं हो पाया, इंट्रैक्शन नहीं कर पाई है। यहाँ पर होते हैं 4 लोग नॉमिनेट, सना, समर्थ, अरुण और ईशा, कुल मिलाकर के 4 लोग ही नॉमिनेट हुए होते हैं लेकिन यहाँ पर बिग बॉस जो है ना दिमाग वालों को बोलते हैं कि किसी एक का भी आप नाम ले सकते हो जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हो, तो ये लोग आपसी सहमति से मनस्वी का नाम ले लेते हैं ताकि उससे एक्सेप्टेशन थी कि वो आएगी एज अ वाइल्ड कार्ड, काफ़ी कुछ करेगी लेकिन किया उसने ऐसा कुछ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मतलब घर में लड़ाई झगड़े होंगे, ऐसी वाली चीज़ें ये लोगों ने बताई है, जिसके बाद यहाँ पर मनस्वी को नॉमिनेट किया। तो कुल मिलाकर के 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो चुके हैं, सना, समर्थ, अरुण, ईशा, मनस्वी। अब देखते हैं कि इस बार कौन जाता है, क्या लग रहा है कि इस बार किसके हाई चांसेस है घर से बेघर होने के। थैंक यू।